नागपुर शहर के नंदनवन पुलिस थाने में 21 अगस्त को हिवरी नगर गार्डन के पास एक बड़ी एनडीपीएस कार्रवाई की। इस दौरान 907 ग्राम एमडी ड्रग्स पाउडर, 40,000 रुपए मूल्य की 4 मोबाइल फोन, 1,000 मूल्य का इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा और 7,000 रुपए नगद बरामद हुए। कुल जब्त मुद्देमाल की कीमत 91,18,000 रुपए है। पुलिस ने कपिल गंगाधर खोबरागड़े, राकेश अंतरवारा गिरी और अक्षय बंडू वंजारी को गिरफ्तार किया है। 4 अन्य आरोपी अभी भी फरार है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज सकाळी पहाटेच्या दरम्यान म्हणजे रात्रीच्या सुमारास आमच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकातील एका अंमलदारामध्ये खात्रीशीर माहिती प्राप्त झाली की कपिल खोबरागडे व राकेश गिरे नावाचे व्यक्ती हे एमडी ड्रग्स पावडरची विक्री करण्यासाठी हिवरी नगर नंदनवन या ठिकाणी येणार आहे गार्डनच्या जवळपास। तर त्या अनुषंगाने आम्ही खबरीची माहिती वरिष्ठांना दिली आणि त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही दिलेल्या ठिकाणी जाऊन सापळा रचला। तर खबरी दिलेले दोन व्यक्ती त्या ठिकाणी आलेले होते, तसेच इतर जो तिसरा आरोपी आहे अक्षय वंजारी हा सुद्धा त्या ठिकाणी आला। त्यांची आपसामध्ये बोलचाल आणि संशयास्पद हालचाल दिसली आणि आमची खात्री झाली की एमडी विक्री करण्यासाठी जे येणारे लोक होते ते हेच असल्याचे आम्हाला खात्री झाल्यानंतर आम्ही त्यांना ताब्यात घेतलं, त्यांच्याकडे विचारपूस केली, चौकशी केली, त्यांनी झडती घेतली। तर त्यांच्या तिघांच्या झडतीमध्ये एकूण 907 ग्रॅम एमडी पावडर ज्याची किंमत अवैध मार्केटमध्ये करीबन 90,70,000 रुपये किमतीचा एमडी पावडर आहे ते त्यांच्याकडे मिळून आली। त्याशिवाय मोबाईल, रोख रक्कम, इलेक्ट्रिक वजन काटा सुद्धा त्यांच्याकडे मिळून आला। ते आम्ही त्या ठिकाणी ताब्यात घेतले। ह्या आरोपींकडे आम्ही अधिक चौकशी केली की हा माल कुठून आणलाय, कोणासाठी देण्यात आलेला होता। तर त्यामध्ये इतर 4 आरोपी पाहिजे सुद्धा निष्पन्न झालेले आहे। यातील आरोपी कपिल खोबरागडे याने स्वतः मध्य प्रदेश या ठिकाणी जाऊन आहे एमडी ड्रग्स पावडर खरेदी करून आलेले आहे आणि नागपूरमध्ये विविध लोकांना जे यातील पाहिजे आरोपी यांना देण्याकरता घेऊन आला असल्याचे सांगितलेले आहे। यामध्ये जे 3 अटक आरोपी झालेले आहे या तिघांचाही पूर्वीचे विविध कलमांवर नागपूर शहरामध्ये गुन्हे दाखल आहेत, तसेच एनडीपीएस अन्वय सुद्धा त्यांच्या विरुद्ध यापूर्वी गुन्हे दाखल आहेत। तसेच यातील पाहिजे विरोध आरोपी यांच्या विरुद्ध सुद्धा एनडीपीएस अन्वय गुन्हे दाखल व इतर कलमांवर गुन्हा दाखल असल्याची माहिती आम्हाला प्राप्त झालेली आहे। महाराष्ट्र टीव्ही 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगड़म बगड़म तिगड़म नागपुर में होगा चीन टपाक डमडम। जादुई दुनिया के नए नए चमत्कार अब नागपुर में पहली बार डायनासोर, गॉडज़िला और गोरिल्ला और आदमखोर भेड़िया एक मंच पर एक साथ। 13 अगस्त से रोजाना 3 शो, 1, 5 और रात 8 बजे विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन, झांसी रानी चौक नागपुर में। बुकिंग्स के लिए विजिट करे www.badshahmagicalworld.com। के पक्षी राजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। इस तेल को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करे 6785200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3502300।